Boys and girls present over here. Once again, a very warm welcome and a very hearty welcome in this beautiful Women's Day celebration. और एक बार फिर से आप सभी को मैं विश करना चाहूंगी अ वेरी 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 हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. सो एवरीबॉडी, जितने भी लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं, मुझे पहले तो जोरदार तालियां बजा दो ताकि मुझे सुनाई दे जाए कि यू ऑल आर हियर. यस, सो स्टार्ट करते हैं हम. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय लिव फाउंडेशन. थैंक यू सो मच मैम. अगर मौका मिला तो मैं भी सीखना चाहूंगी. सिखाएंगी? चलिए ठीक है, फिर आपसे मुलाकात करते हैं. और हमारे यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है, बच्चों को प्लीज आगे भेजिएगा, हमें भी थोड़ा मौका दीजिएगा. और ये है संगीत नाट्य अकादमी. और आइए हम लोग मिलते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा. आप कुछ बता सकती हैं इसके बारे में क्या चीज़ें? ये सारी चीज़ें बैम्बू से बनी हुई हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं सारे. और हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ किया जाए. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्लास्टिक को कम करना चाहती हैं. तो डिवाइन फूड लव के बारे में हमें कुछ बता दीजिए, क्या ये प्यार बांटता है? बिल्कुल, प्यार बांटने के लिए होता है, प्यार बांटने से बढ़ता है. और खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस प्यार में. और ये खाने में खासी Barabanki, and we make these beautiful stoles. We have these beautiful scrunchies. Look at these. We have these beautiful earrings, scrunchies. We have these beautiful handmade cushion showers. These everything are made by all of the women that we have there. These everything, these are all are made by the women only. आपकी कोई team हो? Yes, we are a team based. We are 50 women. We are working in Barabanki completely. तो आप लोग मेनली बाराबंकी से हैं? Yes, सारी लेडीज बाराबंकी से हैं? एवरीवन. तो आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है? यस वी डू हैव, इट्स देयर. इट्स अ टोल स्टूडियो, इट्स अ लिट स्टूडियो. वी हैव दीस टू, वी हैव अ लिट स्टूडियो व्हिच डील्स विद आवर होम डेकोर रेंज एंड अपैरल्स. देन वी हैव द स्टोल स्टूडियो व्हिच all the stalls, like we are basically a handloom factory set up over there and we are into exports. And hamara domestic mein humne retail mein we have started with stole to studio, plus we have these beautiful scrunchies under the stole studio page. This is there. So aapka kaam to bright herbal solution. So आप शिवाइट हर्बल सॉल्यूशन से हैं? आप पहले तो इसके बारे में हमें बता दीजिए, क्योंकि अभी हमें कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है कि ये क्या चीज़ है. शिवाइट हर्बल सॉल्यूशन हैंडमेड 100% नेचुरल प्रोडक्ट का बिजनेस है. इसकी मैं फाउंडर हूँ. मैंने एक साल पहले ये कंपनी शुरू की जब मेरी जॉब चली गई कोविड में. मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी. बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ, बायोटेक इंजीनियर. जॉब चली गई, करने के लिए कुछ नहीं था. सारे फ्रेंड्स सब अच्छे अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे थे. जब धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगे प्रोडक्ट, मैंने इंस्टाग्राम पेज से शुरू किया था. और नाउ मैं इंडिया के पूरे पार्ट्स में सेल करती हूँ इसको. बैंगलोर, नैनीताल, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से मेरे को ऑर्डर्स आ रहे हैं. मैं बाराबंकी में अपने घर से ये काम करती हूँ. जब मेरा बिजनेस थोड़ा और ग्रो कर जाएगा फिर मैं एक प्रॉपर सेटअप करूँगी, बट अभी तो मैं ये घर से करती हूँ अपने. बहुत अच्छा लगा मिलकर के. तो मैं अनुप्रिया यादव हूँ. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में, इन द लॉ डिपार्टमेंट. और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एक दिन नहीं हो सकता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वुमेन हुड इज अ डे दैट शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी मिनट ऑफ द आवर, राइट? तो हम एक टाइम में, एक दिन में इसको सिर्फ इंकल्केट करके नहीं रख सकते. इट्स अ थिंग दैट शुड बी सेलिब्रेटेड. और दूसरा, मैं आज के दिन बस इतना कहना चाहूँगी जितनी हमारी महिलाएं हैं यहाँ पे, कि उनको अपने आप को एम्पावर बनाना है, क्योंकि उनसे बड़ी शक्ति और उनसे बड़ी समृद्धि किसी से नहीं मिल सकती. तो दैट इज अ थिंग, दे शुड मेक देमसेल्फ एम्पावर, दे शुड मेक देमसेल्फ अ पर्सन हु शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ, बिकॉज वो है तो सृष्टि है.
ये दिस इज माय मैसेज फॉर एवरी वुमन आउट देयर. थैंक यू मैम. बीच में एक ऐसा एक हजार साल का पीरियड ऐसा आ चुका है जिसमें काफी डाइल्यूशन हुआ, वुमेन को अपने आप को छुपाना पड़ा, बच्चों की एजुकेशन खत्म हुई है और जो उसकी वजह से आज भी वो सेटबैक जो है हुआ है. तो अगर हम एजुकेशन पे बात करें तो पहले तो लड़कों को एजुकेशन की जरूरत है जिससे वो अपने ये ठपके बाजी और ये चीज कैसे बात और फिर साइड फाउंडेशन पे है और लाइफ फाउंडेशन की वॉलंटियर्स हैं. आप लोग कुछ बताना चाहेंगे लाइफ फाउंडेशन में काम करके आप लोगों को कैसा लग रहा है और इसके बारे में जरूर कुछ बताइए लाइफ फाउंडेशन के बारे में. लाइफ फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ये एनजीओ दो लोगों ने मिलकर के बनाया है. फाउंडर अनुश्री चतुर्वेदी हैं और को फाउंडर हमारी यशस्वी चतुर्वेदी हैं. दो सुलझे हुए लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया है उन मुद्दों पर काम करने के लिए जो मुद्दे जनरली लोग बात नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि वुमेन सैनिटाइजेशन है, मेंटल हेल्थ है जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का.